बोल लेंगे ना इस पे खड़े होके ना। हाँ बोल लेगा भाई। तीन साल पहले पुराना पुल है और जिस टाइम ये पुल बना था उस टाइम भी शासन ने फेल कर दिया था, लेकिन ये फिर भी बराबर चल गया है। और जब रामगंगा वाला पुल बना जब भी ये पुल फेल कर दिया था, ये फिर भी बराबर चल गया है। बड़े हादसे ने तैयार करे, इससे दो हाईवे निकलते हैं, एक तुम्हारा सिवारा हो तो निकलता है धामपुर हो तो पहुँच जाता है हरिद्वार, दूसरा तुम्हारा जाता है कालागढ़। ये दो हाईवे का मार्ग अब बंद हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से फेल है और शासन अभी तक इस पर कोई जिम्मेदार नहीं देख रहा, अपनी कोई रुचि नहीं ले रहा। ये चाहता तीन साल पहले ये सब टूट गया था, जो आप देख रहे हो ये सब यहाँ तक था, ये सब निकल गया था पत्थर, लेकिन किसी ने कोई इसके बारे में सोचा नहीं, आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये शासन की बहुत बड़ी चूक है, इसलिए भैया शासन से प्रशासन से कहो इसमें अपने काम को करें। और ये इससे कम से कम 500 गाँव का आवागमन रुक गया है, जो इनके क्षेत्र में यहाँ सूर्दने का ठाका द्वारा काशीपुर से लगाव रहता है, अब वो सब। कौन सी नदी का पुल कहलाया है? ये फीका नदी है, सूर्दनेगर के पास है, नलोवाल का मंदिर है यहाँ, ये पास में इधर मंदिर आ रहा है, यहाँ पूजनीय स्थल है, लेकिन ये इधर के साइड में हुआ है मामला। पूरा ये क्षतिग्रस्त हुआ है। ये जो फीका नदी है, फीका नदी का जो पानी का बहाव है वो बिजनौर साइड के लिए जो थोड़ा बना हुआ था, तो अभी चार दिन पहले पीडब्ल्यूडी वाले सिंचाई विभाग वालों को बताया था कि रोड काटने की संभावना है, उस पर जो रिपेयरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ कट्टे वगैरह मिट्टी के लगाए भी थे, पर रात पानी अधिक होने के कारण जो है ये बिजनौर साइड की रोड काट दी। और बिजनौर साइड की जो रोड कटी है तो उससे जो लगा हुआ पुल है, पुल का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी गिर गया। सर इसमें काफ़ी गाँव का मतलब काफ़ी गाँव को मोड़ती है और जोड़ती है, कालागढ़ जाता है, देहरादून आरग्य रोड है, इस पर सर क्या क्या प्रक्रिया करी जाएगी? एहतियाती के रूप में कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए इस समय तो व्हीकलों को दोनों साइड से रोक दिया गया है, दोनों साइड के सभी वाहनों को रोका गया है। और जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वो आ चुकी है, पीडब्ल्यूडी टीम बता रही है कि एक सप्ताह में यहाँ पे जो आवागमन है वो हो जाएगा। किनारे से चल सकते हैं कोई घटना का कोई मामला? घटना वटना कोई नहीं हुई है, कोई दुर्घटना जनहानि पशुहानि कोई नहीं हुई है।